एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में कवि नाम का एक लड़का रहता था। कवि अपने दयालु हृदय, उज्जवल मुस्कान और अटूट आशावाद के लिए जाने जाते थे। उसके पास एक आंतरिक आनंद था जो उसके अस्तित्व से ही विकीर्ण होता प्रतीत हो रहा था। लोग अक्सर आश्चर्य करते थे कि परिस्थितियाँ कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, वह इतना खुश कैसे रह पाता है। कवि का रहस्य बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में निहित है, जो उन्होंने भंते नामक एक बुद्धिमान भिक्षु से सीखा था। हर दिन कवि भंते के उपदेशों को सुनने और बुद्ध की शिक्षाओं के ज्ञान को आत्मसात करने के लिए मंदिर जाते थे। एक दिन जैसे ही गांव के लोग मंदिर में एकत्रित हुए, कवि भंते के पास एक प्रश्न लेकर पहुँचा। कवि की आंखें जिज्ञासा से भर गईं और उसने भंते से पूछा, बड़ी कठिनाइयों का सामना करने पर भी कोई वास्तव में खुश कैसे रह सकता है। भंते मुस्कुराए, उनकी कोमल आंखें करुणा से चमक उठीं। उन्होंने कवि और ग्रामीणों के साथ एक कहानी शेयर करना शुरू किया, एक ऐसी कहानी जो खुशी के बारे में उनके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। एक बार दूर एक गाँव में अनिका नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी सुंदरता, अनुग्रह और दयालुता के लिए जानी जाती थी। अनिका का एक प्यार करने वाला परिवार था और एक आरामदायक जीवन व्यतीत करती थी। हालांकि तकदीर के पास उसके लिए एक अलग योजना थी। एक दिन इस क्षेत्र में एक भयानक युद्ध छिड़ गया और अनिका का गांव अराजकता और विनाश में घिर गया। घरों को जला दिया गया, परिवारों को तोड़ दिया गया और आशा धूमिल होती दिख रही थी। अनिका ने अपना परिवार खो दिया और वह अकेली रह गई, तबाह हो गई। युद्ध के बीच अनिका एक कीचड़ भरे तालाब पर ठोकर खाई। उसने कीचड़ के बीच एक छोटे से कमल के फूल को उगते हुए देखा, जिसकी पंखुड़ियां अलौकिक सौंदर्य बिखेर रही थीं। कमल से मोहित होकर वह उसे ध्यान से देखने के लिए नीचे झुकी। कमल हालांकि कीचड़ में निहित है, इसके आसपास की गंदगी से अछूता रहता है। इसकी नाजुक पंखुड़ियां प्राचीन और अछूती रहती हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच कमल के खिलने की क्षमता से अनिका चकित थी। यह ऐसा था मानो कमल के पास एक गहन रहस्य की कुंजी है। जैसे ही भंते ने अपनी कहानी जारी रखी, कवि और गांव वाले झुक गए, उनकी कल्पनाएं कहानी से मोहित हो गई। अनिका कमल के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गई। उसने दिन और रात उसके हर विवरण को देखने में बिताए। अंत में बहुत चिंतन के बाद उसे कमल के अस्तित्व के भीतर छिपे गहन ज्ञान का एहसास हुआ। वह समझती थी कि कमल उसके अपने आंतरिक स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। कीचड़ कठिनाइयों, चुनौतियों और पीड़ा का प्रतीक है जो जीवन प्रस्तुत करता है, जबकि कमल स्वयं खुशी और ज्ञान के लिए अपनी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। अनिका ने महसूस किया कि कमल की तरह ही उसमें परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति थी, चाहे वे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों। वह समझ गई कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर है। इस नए ज्ञान के साथ अनिका ने खुद को माइंडफुलनेस और करुणा के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। उसने विकास और परिवर्तन के अवसर के रूप में हर अनुभव को अपनाया। धीरे धीरे वह अपनी बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना शांति और संतोष की गहरी भावना महसूस करने लगी। अनिका की शांति और उज्ज्वल खुशी की खबर दूर दूर तक फैल गई। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में उसकी ओर खिंचे चले आए। अनिका आशा की किरण बन गई, दूसरों को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खुशी पाने की कला सिखाती है। भंते एक क्षण के लिए रुके, उनकी आंखें गर्मजोशी और ज्ञान से भरी थीं। उन्होंने आगे कहा, सच्चे सुख की कुंजी बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश में नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और करुणामय चित्त विकसित करने में है। यह हमारे अपने विचारों, कार्यों और दृष्टिकोणों के माध्यम से है कि हम खुशी के लिए परिस्थितियाँ बनाए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। कवि और ग्रामीणों ने भंते की गहन शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुना। उस दिन से वे भी कमल का अनुकरण करने और अपने भीतर सच्ची खुशी पाने का प्रयास करते हुए आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा पर निकल पड़े।
और इसलिए कवि अनेका और कीचड़ भरे तालाब में कमल की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक बन गई कि खुशी केवल एक मंजिल नहीं है बल्कि एक अवस्था है जिसे अपने दिल की गहराई में विकसित किया जा सकता है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।